अब बात उस महामारी की जिसने हमें 2 साल कैद कर दिया था, पूरी पाबंदियां लगा दी गई थी, कोरोना पाबंदियां हटी तो बेपरवाही फिर से बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से केसेस बढ़ने लग गए हैं देश में। कोरोना महामारी की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन इस बार प्रशासन और राज्य सरकारें मुस्तैद हैं। लेकिन इसमें आपकी हमारी भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और महामारी अभी गई नहीं, इस बात को हमें समझना होगा। वायरस अब भी हवा में मौजूद है, लिहाजा सावधानी बहुत जरूरी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। टीकाकरण भी 2 अरब के पार हो चुका है। अब तो बुजुर्गों और 18 साल से ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है, लेकिन एक बार फिर कई राज्यों में लगातार बढ़ रही मरीजों की तादाद ने चिंता बढ़ा दी है। ये साफ हो गया है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। बता दें कि देश में मंगलवार को कोरोना के 8,813 नए मामलों का पता चला है। देश भर में रोज का पॉजिटिविटी रेट 4.15% है। हालांकि 15,040 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हुए हैं। राहत की बात जरूर है कि देश में कोविड के मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इससे लोगों की जान पर खतरा कम हो गया है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना है कि एहतियात बरती जाए तो स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन कई राज्यों में कोविड के नए मरीजों की संख्या बढ़ते देख सरकार फिर से सतर्क हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हालात को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया है, और महामारी की स्थिति पर काबू पाने के लिए जो कदम पहले उठाए गए उन्हें जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परेशानी की बात यह है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 917 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 20% का मार्क छूने लगा है, और इस वायरस से 3 मौत भी दर्ज की गई है। 5,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में हैं, तो 563 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो कोविड मरीजों के लिए समर्पित सभी ICU बेड मंगलवार को भरे दर्ज हुए हैं। अकेले साउथ मुंबई के एक अस्पताल में कोरोना के लिए 14 डेडिकेटेड ICU बेड हैं, जो सभी मरीजों से भरे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी बरतने की जरूरत है, जिसका सबसे कारगर तरीका वैक्सीनेशन है। मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के साथ टीके का सुरक्षा कवच कोरोना के खिलाफ रामबाण है। देश की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है, और जल्द ही बाकी आबादी भी वैक्सीन से लैस होगी। लेकिन कोरोना के हालिया मामलों में बढ़ोतरी कहती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना को अगर जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।